हेलो दोस्तों, तो आप सभी का फिर से स्वागत है एक और न्यू अनबॉक्सिंग वीडियो में। एंड आज के इस वीडियो में मैं अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ एक बोया BY-M1 माइक की। एंड मैंने इसको फ्लिपकार्ट से परचेज़ किया, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का बॉक्स मुझे रिसीव हुआ है। तो चलिए बॉक्स को कर लेते हैं फटाफट ओपन। एंड अनबॉक्सिंग करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। सो फ्रेंड्स, आप लोगों की सपोर्ट की वजह से मेरे चैनल पर 1 के सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं। एंड आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों मुझे सपोर्ट करने के लिए। एंड उसके 2 दिन बाद ही मेरे चैनल पर मोनिटाइजेशन भी इनेबल्ड हो चुका है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। तो बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, और उम्मीद है आगे भी आप लोग सपोर्ट मुझे करते रहोगे। तो फिर से दिल से थैंक यू दोस्तों आप लोगों का। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे बॉक्स की सील को ब्रेक कर लेते हैं पेन की मदद से। एंड उसके बाद बॉक्स को ओपन करेंगे। तो यहाँ पे मैं सील को ब्रेक कर लिया हूँ। एंड यहाँ पे चलिए बॉक्स को ओपन कर लेते हैं एंड देखते हैं क्या क्या कंटेंट अंदर देखने को मिलता है। तो सबसे पहले आपको एक बॉक्स देखने को मिल जाता है जो कि बोया की माइक का बॉक्स है। एंड अंदर में एक बिल देखने को मिलता है जहाँ पे आप प्राइस देख सकते हो, 1064 रुपीज़ प्राइस है। तो चलिए बिल को रखते हैं साइड में। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो बॉक्स के आगे की और कुछ डिटेल्स यहाँ पर दिए गए हैं। एंड पीछे की और यहाँ पे देख सकते हो फीचर एंड स्पेसिफिकेशन यहाँ पे आपको मिल जाएगा देखने को, जो कि आप पढ़ सकते हो आसानी से। एंड चलिए इसको बॉक्स को ओपन कर लेते हैं एंड देखते हैं क्या क्या कंटेंट अंदर देखने को मिलता है। तो यहाँ से ओपन करने का है कि यहाँ पे देख सकते हो यहाँ से ओपन करना है इसको। तो मैं बॉक्स को ओपन कर लेता हूँ यहाँ पर। सो फ्रेंड्स, बॉक्स को ओपन करते ही यहाँ पे आपको एक बैग देखने को मिल जाता है जो कि बोया की बैग है। यहाँ पे आपको माइक को कैरी करने के लिए दिया जाता है। एंड अंदर में आप देख सकते हैं एक यूज़र मैनुअल मिलता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो कि कोई नहीं पढ़ता। यहाँ पे आपको एक यूज़र मैनुअल देखने को मिलता है। एंड आपको एक वारंटी कार्ड देखने को मिल जाएगा जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं एक वारंटी कार्ड है। तो चलिए देखते हैं बैग की ओर एंड इसमें क्या क्या कंटेंट है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक सिल्का जेल यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए इसको रखते हैं साइड में। एंड यहाँ पे देख सकते हैं ये माइक है और खाली है। यहाँ पे इसको बैग को रखते हैं साइड में। काफ़ी अच्छी क्वालिटी की बैग है, यहाँ पे आप देख सकते हो, आप इसे आसानी से इस माइक को केयर कर सकते हो इस बैग में। एंड बैग के अंदर आपको एक पन्नी देखने को मिलता है जो कि इसमें कुछ चीज़ें यहाँ पर हैं। तो चलिए मैं इसको ओपन करके दिखाता हूँ क्या क्या अंदर देखने को मिलता है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको एक बैटरी देखने को मिलेगी जो कि DSLR यूज़ करते टाइम यहाँ पे आपको बैटरी को लगाना होता है इसको ओपन करके, जैसा कि मैं यहाँ पे ओपन करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हो ये बैटरी जो है यहाँ पे फिल होता है। एंड इसको DSLR में जब यूज करोगे तब इस बैटरी को लगाना होता है। तो चलिए मैं इसको वापस बंद कर देता हूँ एंड देखते हैं क्या क्या और है इसमें। एंड यहाँ पे आपको एक क्लिप देखने को मिलेगा जो कि माइक क्लिप है, इसकी मदद से आप शर्ट या टी शर्ट में माइक को आसानी से लगा सकते हो। तो चलिए इसको भी बाहर निकाल लेते हैं एंड देख सकते हैं क्लिप की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। एंड देखते हैं और क्या है। एंड यहाँ पे आपको एक पिन देखने को मिलेगी जो कि माइक को एम्पलीफायर से कनेक्ट करता है। एंड यहाँ पर आपको एक नॉइस कैंसिलेशन गद्दी मिलेगी। तो चलिए मैं इसको माइक में लगा देता हूँ। एंड दोस्तों, अभी तक जो आप साउंड सुन रहे हो वो एक नॉर्मल माइक से है जो कि 250-300 रुपये में आता है। एंड इसके बाद मैं इसको लगा करके इस वाली बोया माइक को कनेक्ट करूँगा। आप कमेंट में ज़रूर बताना कि कौन सी माइक की क्वालिटी सबसे ज़्यादा अच्छी है। एंड चलिए इसको मैं कनेक्ट कर लेता हूँ अपने फ़ोन से। सो फ्रेंड्स, अब जो आपको साउंड सुनाई दे रही है वो बोया की माइक की साउंड है। एंड आप बताना कमेंट में किस तरह का साउंड है, कैसा साउंड है, नॉइस कैंसिलेशन है या नहीं है। तो आपको पता चल चुका होगा कि कौन सी माइक अच्छा है या कौन सी माइक अच्छा नहीं, आप कमेंट में ज़रूर बताना। तो आज के लिए बस इतना ही। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ यार लाइक कर देना। एंड चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलता हूँ मैं फिर से एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।